अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट विद इशी आबिद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फॉरवर्ड लेयर हेयर कट। तो घर के अंदर बैठे इजीली आसानी से आप लोग अपना हेयर कट कर सकते हैं, फ्रंट फॉरवर्ड लेयर कट। तो सबसे पहले एक रूल ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने बालों को स्ट्रेट कर दें, क्योंकि आप लोग खुद करें आप लोग को नहीं आइडिया रहेगा। अगर प्रोफेशनल वे से करवाया जाए तो आप अपने बालों को वेट करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद से जो है वो स्ट्रेट कर लें। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेयर फॉरवर्ड कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाल ओपन करूँगी। बाल ओपन करने के बाद में मैं दरमियान में से पार्टीशन कर लूँगी दोनों साइड की। अगर आप लोगों के पास में नॉर्मली कोई कपड़ा मौजूद है तो वो ले लें, अदरवाइज़ आप केप ले सकते हैं नॉर्मली। सबसे पहले हमें चाहिए कॉम और देन हमें चाहिए सीज़र। ये प्रोफेशनल सीज़र आप ना यूज़ करें, हमें चाहिए नॉर्मल घर के अंदर जो सीज़र आप उसी से करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके जी, लेयर फॉरवर्ड कट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्टीशन करी हूँ फ्रंट से। मुझे एक लेवल रखना है, मुझे चिन तक रखना है या मुझे नोज़ तक रखना है या मुझे फोरहेड तक रखना है, इतना मैं लेवल लूँगी, इसकी मैं कटिंग करूँगी। मुझे चिन तक पसंद है तो मैं अपनी चिन तक कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ चिन तक जो कि मैं रखूँगी। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, आप चिन तक अपनी कटिंग करें। आप अगर फर्स्ट टाइम करें तो यहीं तक करें, लेफ्ट साइड क्लिप आउट कर लें। ओके जी, कटिंग का फर्स्ट रूल ये होता है कि आप लोगों ने जब भी सीज़र लेनी है आपने सीज़र को रिंग फिंगर के अंदर और आपने थंब के अंदर उसके होल्स को डालना है, अदरवाइज आपके बाल अगर नहीं ऐसा करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा कट सकते हैं और गलत डायरेक्शन में। सेकेंड रूल कटिंग का ये होता है लेयर कटिंग का कि आप लोगों ने सीज़र को ऊपर से यानी कि कटिंग फॉर्म में लेकर आना है ताकि आपका सीक्वेंस ख़राब ना हो, और देन आप लोगों ने अपने हेयर्स को लेवल करते रहना है तब तक जब तक आपको स्मॉल देन बिग एंड देन बिग स्टेप ना आ जाए। ओके जी, मैं अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करने लगी हूँ और मैं थर्ड स्टेप को भी अपने उसी तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर ही लूँगी। और जो मेरे बाल जो है टेंगल्ड हुए हैं, इसका मतलब यही है कि ये बाल रफ है, इनको आपने कट आउट ही करना है। इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ये ग्रोथ करेंगे ना ये आपके बालों को जो है वो फ्रेश लुक देंगे। तो इसलिए जो है आप लोग इसको कट ही करेंगे जब तक आपके बाल जो हैं वो कॉम के अंदर ईजिली स्मूथली जो हैं वो ब्रश ना हो जाएँ। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी इसको भी इसी तरीके से ऐड करूँगी और ऊपर से कट करूँगी, और बैलेंस करने के लिए मुझे नीचे से भी इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा तो मैं कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने भी इसको बैलेंस करते रहना है तब तक जब तक कि स्ट्रेट फॉर्म में इक्वली इसकी लेयर्स ना आपको प्रोमिनेंट हो जाएं। और आप लोगों को पीछे से जो है बैक साइड जिनको नहीं कट करने का शौक वो ना करें, अदरवाइज़ अगर जिन्होंने कट करनी है वो ऊपर से नीचे तक लेयर्स प्रॉपर तरीके से यानी कि अपने बालों के अंदर ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी नहीं पसंद। तो मैं जो हूँ वो सिर्फ फ्रंट यानी कि ईयर तक ही बैलेंस करूँगी, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं करी। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना, अगर पसंद है तो आप इसी तरीके से करें, अदरवाइज़ आप इसी फॉर्म के अंदर आगे जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड पे। सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो है हम लोग अपने हाथ का जो एंगल है वो दूसरे तरीके से रखेंगे। आप लोगों ने फिर रिंग फिंगर के अंदर ऐड कर लेनी है सीज़र, और अब मैंने ऊपर से लिया है हैंड से पकड़ा है और नीचे से यानी कि मैं इसको सीज़र के साथ में कट कर रही हूँ। तो सेम आप लोगों ने भी अपना लेफ़्ट साइड जो है वो इसी तरीके से आपने करनी है, तभी जो है वो एक बैलेंस के अंदर इक्वली जो है वो पोर्शन आएगा, अदरवाइज़ वो आपकी लेयर्स प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं हो सकेंगी। देन अगेन जो है फिर मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरीके से, तो मैं इसको बैलेंस ले रही हूँ, बिल्कुल इक्वली आएगा। और जहाँ से आपको लगे कि अब बाल आगे पीछे हो गए, बैलेंस ख़राब हो गया, तो आप उसको भी सही तरीके से उसको कट कर सकते हो। तो आप लोगों ने सेम ये मैंने ईयर तक ले लिया, इससे ज़्यादा मैं आगे कट नहीं करूँगी, तो आप लोग भी इतना ही पोर्शन रखिएगा। तो अब मैंने इसको ये खड़े होकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए मैंने नीचे से इसको कट कर लिया और मैं बिल्कुल इक्वल बैलेंस कर रही हूँ, और ताकि लेयर्स ऊपर से स्मॉल बिग बिग इस तरीके से आ रही हैं। जी, मैं अपना कट कर चुकी हूँ, बस मैंने इसको बैलेंस करना है। सेम आपने भी इसी तरीके से इसको हेयर कट को बैलेंस करना है प्रॉपर तरीके से। और इस कट की ये स्पेशलिटी कि अगर आप लोग आउटर और इनर ब्लोडर करते हैं तो ये प्रॉपर आपको स्टाइलिंग लुक देता है। लास्ट पर आप लोगों ने अपने बैक साइड के हेयर्स को कट करना है, नीट लुक देनी है और उसको बैलेंस स्मूथली करना है।
बोथ साइड को कट करें, बैलेंस करें और लाइट सा ट्रिम और कर दें अगर ज़रूरत है। ओके जी, कैसा लगा मेरा आज का आपको हेयर कट? तो आप लोग सेम मेरे प्रोसीजर से अपने घर के अंदर बैठ के इस तरह का कट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।